मैं आज आपको लेकर आया हूँ कि बोर्ड एग्जाम में इस बार कैसी कॉपी आने वाली है। आप देख रहे होंगे सामने, ये सामने हाई स्कूल की कॉपी है। इस टाइप से कॉपी आपके पेपर में इस बार मिलने वाली है। और आप करना क्या क्या है, कैसे आप उसको फिल करेंगे। सबसे पहले आप देख रहे होंगे परीक्षार्थी का अनुक्रमांक, तो सबसे पहले यहाँ पर अनुक्रमांक भरेंगे। मान लीजिए जैसे किसी का रोल नंबर 062 और 6508 है, तो ये ऊपर लिख दिया। फिर नीचे इसी को ही अंकों में लिखेंगे। आप देख रहे होंगे आप, तो इकाई, धाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, तो ये हो गया 6 लाख। और यहाँ पर 26,000, पाँच सौ आठ, ये हम इस टाइप से इसको भरेंगे। इसके बाद आता है विषय। मान लीजिए जैसे मेरे सामने एक पेपर है, ये गणित का है, तो आप विषय यहाँ पर लिखेंगे गणित। उसके बाद आता प्रश्न पत्र, आपका फर्स्ट पेपर है या सेकंड पेपर है, ये केवल यहाँ पर लिखा है प्रश्न, प्रथम प्रश्न पत्र, तो आप प्रथम लिखेंगे। लेकिन अब हाई स्कूल का चूंकि एक एक ही पेपर हो गया है, तो यहाँ लिखेंगे केवल, ठीक है, केवल प्रश्न पत्र लिख देंगे इसको। और उसके बाद आता संकेतांक, तो आप देख रहे होंगे कि ये जो नंबर दिखाई दे रहा है, ये संकेतांक में यह लिखेंगे 334 DU, ये इसमें लिख देंगे। नीचे आता परीक्षा का दिन, आज का अपना कोई दिन डाल देंगे, जिस दिन पेपर है आपका। मान लीजिए परीक्षा का दिन मंगलवार। नीचे आती है परीक्षा की तिथि, तो आप डाल सकते हैं जो भी दिन होगा, 11/2/2020। केंद्र का नाम, केंद्र का नाम किसी जिस स्कूल में है, मान लीजिए SVM IC, SVM IC कॉलेज मुरादाबाद, ये आप यहाँ पर भर सकते हैं, ये इस टाइप से। और नीचे कक्ष संख्या, जिस रूम में आप बैठे हैं वो नंबर यहाँ पर डाल देंगे, मान लीजिएगा 2। नीचे यहाँ पर कक्ष निरीक्षक वो साइन करेंगे। और ये हाई स्कूल की कॉपी है। इसी टाइप की आप इंटरमीडिएट की कॉपी देखिएगा कैसे हैं। सबसे पहले वही अनुक्रमांक, अनुक्रमांक मान लीजिए जो भी है 6265 08, इसी को ही शब्दों में यहाँ पर 6,26,508, ये हमने शब्दों में लिख दिया। उसके बाद विषय, जैसे कि ये पेपर मैंने अभी दिखाया, विषय यहाँ पर आएगा। ये इसी प्रकार की कॉपी आपके एग्जाम में आने वाली है। तो ये गणित, प्रश्न पत्र केवल, क्योंकि अब एक ही पेपर है गणित का, केवल प्रश्न पत्र यहाँ पे लिख देंगे। इसके बाद परीक्षा का दिन, जो भी दिन होगा वो लिखेंगे आप, यहाँ पर लिख दिया। परीक्षा की तिथि, वो भी आप यहाँ पर लिखेंगे, परीक्षा की तिथि, ये होगी 2020। और पाली, आप सेकंड पाली में होगा इंटरमीडिएट का पैकेट, तो वही लिखेंगे। फिर आता संकेतांक, 334, ये लिख देंगे, जो पेपर पर लिखा होगा आपके यहाँ पर आएगा वो। इस टाइप से उसको भरना है। आप देख रहे होंगे किस टाइप से हमने इसको भरा है, इस टाइप से उसको भरना है। अब क्या करना है, केंद्र का नाम, जिस स्कूल में आपका सेंटर है, मान लीजिए SVM IC मुरादाबाद, जिस कॉलेज में आपका सेंटर है उस कॉलेज का यहाँ पर नाम लिखना है। उसके बाद आती है B, यदि आप B कॉपियाँ लेते हैं तो वो यहाँ पर A1 B1 B1 आगे लिखी जाएंगे। नेक्स्ट एग्जाम रूम का नंबर, मान लीजिए जो भी रूम नंबर है वो, इतना आपको करना ही करना होगा, और बड़ी ही सावधानी से आपको भरना होगा, तभी आपके नंबर सही से प्लस हो पाएंगे। ओके, थैंक यू। ध्यान रखेंगे कि इसमें कोई भी गलती ना हो, खास तौर से रोल नंबर जो है स्पष्ट और साफ साफ लिखें। ओके, थैंक यू।